हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल आप लोग को टेस्ट होगा। टेस्ट का नोटिस तो सबको मिल चुका होगा कि कल 1 मार्च को टेस्ट होने वाला है रात 8 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से। तो सब पढ़िएगा, बढ़िया से ध्यान लगा के मन से पढ़िएगा, दिल से पढ़ना है। और आपका वीडियो हो गया था, लगभग 66 क्वेश्चन था, आज 67 क्वेश्चन है। तो 67 नंबर क्वेश्चन कहा था, पिछले का वीडियो जो नहीं देखे एक से वो देख लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी एन संधि डायोड को पी तथा एन दोनों सिरे एक तार से जोड़ दिया जाता है। एकदम समझिए, बढ़िया से कह रहा है कि यदि पी एन संधि डायोड के पी तथा एन दोनों सिरा जो है उसका एक तार से दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो परिपथ में अस्थायी धारा नहीं होगा। उसके बाद यदि पीएन संधि के परितः कोई बाह्य वोल्टेज ना लगाया जाए, मतलब बाहर से कोई वोल्टेज ना लगाया जाए तो क्या होगा? संधि के परितः एन प्रकार से पी प्रकार की दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। कह रहा है क्या कि यदि पीएन संधि के परितः कोई बाहर, मतलब बाहर से वोल्टेज ना लगाया जाए तो क्या होगा? संधि के परितः एन प्रकार से पी प्रकार की दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। उसके बाद पीएन संधि में क्या होता है? तो एन क्षेत्र उच्च विभव पर तथा पी क्षेत्र निम्न विभव पर होता है। पीएन संधि में क्या होता है? एन क्षेत्र जो है उच्च विभव पर और पी क्षेत्र जो है कहां? निम्न विभव पर होता है। उसके बाद उत्क्रम अभिनति क्या बोल रहा है? उत्क्रम अभिनति पी एन संधि की अवक्षय परत के मध्य में होगा। क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। उसके बाद पी एन संधि डायोड पर प्राचीर विभव किस पर निर्भर करती है? तो डायोड के डिजाइन पर। उसके बाद एक क्रिस्टल डायोड होता है, क्या होता है क्रिस्टल डायोड? तो आरेखीय उपकरण होता है। उसके बाद पूर्ण रंगत, यहां पर समझिएगा, पूर्ण तरंग के बारे में बोल रहा है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता है क्या है? तो 81.2%। कितना? 81.2%। जेनर भंजन होगा यदि अपद्रव की मात्रा अधिक होगा। क्या होगा? अपद्रव की मात्रा अधिक होगा। सब लिखना है, इंपॉर्टेंट है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, याद करना है, कल के टेस्ट में वीडियो से ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है 76 नंबर कि अर्धचालक उपकरणों का गंभीर दोष है। अर्धचालक उपकरण का गंभीर दोष है क्या? क्योंकि यह जो है अधिक लंबे समय तक नहीं चलता है। उसके बाद एक संधि को अग्रबायसित करने के लिए बैटरी का ऋण सिरा जोड़ा जाता किससे? एन सिरा से। उसके बाद जेनर डायोड का उपयोग होता है एसी वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। उसके बाद पीएन संधि विभव प्राचीर के कारण विरोध करता है। क्या करता है? प्राचीर के कारण विरोध करता है, क्यों? एन भाग में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन एवं पी भाग में होलो का। उसके बाद फोटोडायोड की संकेतिक पहचान, फोटोडायोड का है संकेत, जेनर डायोड का संकेत है। उसके बाद पीएन संधि को चालक बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो अगर बायस का मान विभव के प्राचीर से अधिक होना चाहिए, विभव प्राचीर से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। जब एनपीएन, जब कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो
इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर गति करते हैं। उसके बाद एक दोलित्र कुछ नहीं बल्कि एक प्रवर्धक होता है जिसमें होता है क्या, धनात्मक पुनर्निवेश होता है। सब लिखना इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद है 85 नंबर, कह रहा है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर सही रूप में कार्य करता है कब, तब आधार के सापेक्ष संग्राहक धनात्मक एवं उत्सर्जक ऋणात्मक होता है तब। यानी आधार के सापेक्ष संग्राहक धनात्मक एवं उत्सर्जक ऋणात्मक होता है तब क्या काम करता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर सही रूप से कार्य करता है। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग सबसे कम अपमिश्रित होता है, तो नीचे का आधार। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में प्रयुक्त होता है तो क्या, आधार उत्सर्जक संधि अग्र अभिनति में होता है, समझिएगा, आधार उत्सर्जक संधि अग्र अभिनति में होता है या आधार उत्सर्जक संधि के प्रति आरोपित वोल्टेज के श्रेणी क्रम के साथ निवेशी सिग्नल जुड़ा होता है। उसके बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन क्षेत्र आधार है और इसकी मोटाई पी क्षेत्र है। एन क्षेत्र क्या है, आधार है और मोटाई पी क्षेत्र है, तो तुलना में होता है क्या होगा, कम होगा एक दूसरे की तुलना में। सब लिखिएगा, कल टेस्ट होगा इसी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।